हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कोई सेट, इफ ए सेट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एक्स सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, देन इट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई सेट एक्स है, ठीक है, और कोई ऑपरेटर हम उसके साथ एसोसिएट करते हैं और वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हम एक क्या कहेंगे उस सेट को, कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो आपका कोई सेट एक्स है, ठीक है, कोई सेट एक्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें आपने कोई टू एलिमेंट्स लिया ए बी, और उन टू एलिमेंट्स पे आपने कोई ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, ये स्टार जो है कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो अगर आपने कोई ऑपरेटर अप्लाई किया और स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेट, तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। मतलब वो ऑपरेशन क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये सारे नेचुरल नंबर के पार्ट्स हैं। तो एक सेट है नेचुरल नंबर का, अब इसमें कोई टू एलिमेंट्स आप ले लो, 2 और 3, और इसमें हम प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, स्टार की जगह हमने क्या लिया, प्लस ऑपरेटर। तो 2 प्लस 3 क्या आ जाता है, 5। तो 5 भी नेचुरल नंबर का पार्ट है और 5 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो क्या है कि ये ऑपरेटर, मतलब अगर हम ऐसे लिखें एन प्लस, तो एन जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो प्लस ऑपरेटर के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी सेट विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, जैसे यहां प्लस हमने लिया, सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, देन इट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। तो एग्जांपल में हमने यहां पे मेंशन कर देते हैं एग्जांपल, और हम देखते हैं कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो नेचुरल नंबर में हमने ये देखा कि अगर वो प्लस ऑपरेटर के साथ देखा जाए तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर माइनस के साथ देखा जाए तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा या नहीं। तो अगर देखें 2 माइनस 3 तो क्या आ जाता है, -1। तो -1 जो है नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, तो ये माइनस ऑपरेटर के थ्रू ये क्लोज नहीं है। तो अगर एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और आपने टू उसमें एलिमेंट्स आपने कोई भी पिक किया और उसमें माइनस ऑपरेशन लगाया, तो जरूरी नहीं वो हमेशा क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर के सेट पे हो, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा हमेशा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है ये सेट, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या, माइनस ऑपरेटर के थ्रू हम ये कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ऑपरेटर ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। और ले लेते हैं एन मल्टीप्लीकेशन। तो अगर टू नेचुरल नंबर का में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, कोई भी आप लें 3 इंटू 4 तो क्या आएगा, 12। ऐसे कोई भी अगर आप टू नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो हमेशा नेचुरल नंबर का पार्ट रहता है, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। फिर डिवीजन ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑपरेटर में नेचुरल नंबर में क्या वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, तो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं कोई इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है जेड प्लस के साथ, तो क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा प्लस ऑपरेटर के साथ, होल्ड करेगा। माइनस को देख लेते हैं, तो क्या माइनस को होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन को देख लेते हैं, होल्ड करेगा, 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आती है, तो ये भी होल्ड करेगा। और डिवीजन को देख लेते हैं, लेकिन 2 इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करें जैसे 2 बाई 3, तो वो रियल नंबर होता है, तो इसलिए होल्ड नहीं करेगा। ऐसे ही रियल नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो रियल नंबर पे अगर हम प्लस देखें तो हमेशा होल्ड करता है, कोई भी 2 रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही होता है, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उसमें होल्ड करेगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर रियल नंबर होल्ड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। और
आर का सब्ट्रैक्शन से देखें तो ये भी होल्ड करता है, आर का मल्टीप्लिकेशन से ये भी होल्ड करता है, और आर का रियल नंबर का डिवीजन से। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को। तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है और उसमें टू नंबर्स आपने ए बी पिक किया और उस पर डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई किया, तो क्या वो हमेशा रियल नंबर का पार्ट होगा? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, क्योंकि अगर बी इक्वल टू जीरो जीरो हो गया तो ए डिवाइड बाई जीरो ये रियल नंबर का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होल्ड करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कई और सेट को देख सकते हैं कि अगर जैसे इवन नंबर का सेट हो उसके साथ आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को अप्लाई करके आप देख सकते हैं क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो वो क्या होगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, थैंक यू।